हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है ईसीएल सेफाली प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। मैं एनके मिश्रा, इंस्ट्रक्टर फिटर ईसीएल सेफाली प्राइवेट आईटीआई गोड्डा। मैं आज एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो काफ़ी उपयोगी होगा फिटर ट्रेड से और फिटर थ्योरी से, जिसका टॉपिक है स्लिप गेज। आइए हम बताते हैं आप लोगों को स्लिप गेज के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रेड फिटर सब्जेक्ट फिटर थ्योरी और टॉपिक है स्लिप गेज, जो कि आपके सिलेबस का है, और इसके बारे में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि स्लिप गेज के बारे में पहला हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, फिर हम इसके साइज़ के बारे में जानेंगे, फिर ग्रेड जानेंगे, फिर कितने सेट में पाए जाते हैं स्लिप गेज वो जानेंगे, फिर यूजेस जानेंगे, रिंगिंग प्रोसेस होता है स्लिप गेज को आपस में जोड़ने का, उसके बाद हम इसके प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, स्लिप गेज का परिचय क्या है। तो स्लिप गेज एक आयताकार पीस होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में। जैसे ये पहला स्लिप गेज है, ये दूसरा स्लिप गेज है, इसको आपस में जोड़ा जा रहा है रिंगिंग प्रोसेस से। तो स्लिप गेज देखने में कैसा है, आयताकार पीस में है, और इसको टूल स्टील से बनाया जाता है, उच्च क्वालिटी हाई क्वालिटी के टूल स्टील से बनाया जाता है। इसके और भी नाम हैं, जैसे गेज ब्लॉक के नाम से भी इसको जाना जाता है, जॉनसन गेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्लिप गेज, गेज ब्लॉक या जॉनसन गेज हाई क्वालिटी स्टील के बनाकर इसको हार्ड किया जाता है, और हार्ड करने के बाद इसके सरफेस को 0.001 mm अर्थात 0.1 माइक्रोमीटर की सूक्ष्मता में इसको फिनिश किया जाता है। साथ ही साथ इसके प्रत्येक किनारों को चैम्फरिंग किया जाता है, यानी ये आयताकार शेप में है, तो आयताकार शेप में होने के बाद ये एक घनाभ के रूप में है, चूँकि इसका थिकनेस होता है, एक मोटाई होता है, तो 12 इसके किनारे होते हैं, 12 किनारे को चैम्फरिंग किया जाता है। इसके अलावा यदि इसकी साइज़ की बात करें तो भारतीय स्टैंडर्ड यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज 10 mm तक साइज़ के, अर्थात जिसका क्रॉस सेक्शन 30 से 9 mm तक है, और 10 mm से बड़े साइज का जो क्रॉस सेक्शन है उसका साइज 35 से 9 तक है, यानी जिसका क्रॉस सेक्शन 10 mm तक है उसका साइज 30/9 होगा, और जिसका क्रॉस सेक्शन 10 mm से ज़्यादा है तो उसका जिसका 10 से बड़े साइज का है उसका क्रॉस सेक्शन 35 से 9 होगा। अब साइज के बाद ग्रेड की बात यदि करें तो भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज की सूक्ष्मता जो है वो 4 ग्रेडों में बांटा गया है। पहला ग्रेड है ग्रेड 00, दूसरा है ग्रेड 0, तीसरा है ग्रेड 1 और चौथा है ग्रेड 2। तो जो ग्रेड 00 होता है ये सबसे ज़्यादा सूक्ष्म होता है, जो कि सभी प्रकार के सूक्ष्मापी यंत्र एवं सभी प्रकार के स्लिप गेज के ग्रेड यानी ग्रेड 0, ग्रेड 1 एवं ग्रेड 2 के कैलिब्रेशन के कार्य में आता है। ग्रेड 0 की बात करें तो ग्रेड 1 की कैलिब्रेशन के लिए, ग्रेड 1 की बात करें तो ग्रेड 2 के कैलिब्रेशन के लिए, और ग्रेड 2 की बात करें तो ये वर्कशॉप में जो भी उपयोगी यंत्र हैं या जो भी उपयोगी टूल्स हैं उसके कैलिब्रेशन के लिए, उसकी जांच के लिए, चेक के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। ग्रेड की के बाद यदि बात की जाए तो स्लिप गेज सेट में पाए जाते हैं। तो स्लिप गेज इंग्लिश पद्धति यानी जो ब्रिटिश सिस्टम है और मीट्रिक सिस्टम है उसमें अलग अलग कई एक सेट में पाए जाते हैं, लेकिन मीट्रिक सिस्टम का जो स्लिप गेज है वो अधिक प्रचलित है, और मीट्रिक सिस्टम में भी विभिन्न प्रकार के सेट होते हैं, जिसमें M112 एवं M46 वाले जो सेट हैं वो अधिकतर प्रयोग में
लाए जाते हैं, इसलिए हम लोग M112 एवं M46 वाले सेट के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर M112 सेट है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि चार सीरीज है, सीरीज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये साइज है और ये संख्या है। अब देखिए सीरीज फर्स्ट में 1.001 से 1.009 अंतराल क्या है 0.001 mm का, तो जब 0.001 से 1.009 का अंतराल 0.001 mm होगा तो 9 संख्या होगा, 9 पीस में ये अवेलेबल होगा। फिर सेकंड सीरीज में उसी प्रकार से 1.01 से लेकर के 1.49 तक अंतराल है 0.01 का, जिसमें संख्या 49 हो जाएगा। फिर थर्ड सीरीज में भी 49 संख्या है, फोर्थ सीरीज में भी 4 संख्या है, और एक अतिरिक्त पीस होता है जो 1.005 का होता है, तो टोटल संख्या हमारा 120 का हो जाता है, और ये मीट्रिक सिस्टम में होता है इसलिए इसका नाम दिया गया है M112। इसी प्रकार से M46 सेट में 5 सीरीज में अवेलेबल हैं, जिसमें फर्स्ट सीरीज में 9 पीस, सेकंड सीरीज में भी 9 पीस, थर्ड में भी 9 पीस, फोर्थ में भी 9 पीस, और फिफ्थ में आपका 10 पीस, टोटल 46 पीस होता है। तो ये सेट में पाए जाते हैं M112 सेट और M46 सेट, जो है हमारे फिटर थ्योरी के लिए, फिटर लैब के लिए अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। अब इसके अलावा यदि हम लोग यूजेस की बात करें कि स्लीप गेज का क्या यूज है, तो स्लीप गेज का जो मुख्य उपयोग है वो कार्यशाला में उपस्थित सूक्ष्ममापी यंत्र एवं जो समरूप गेज है, सूक्ष्मता में और शुद्धता से उसका जांच करना स्लिप गेज का काम है। इसके अलावा साइन बार के साथ स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। साइन बार के द्वारा हम लोग किसी भी जॉब की टेपरता को चेक करते हैं, तो टेपरता को चेक करने के लिए हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और समकोण त्रिभुज में लंब का कार्य जो है वो स्लिप गेज के द्वारा ही किया जाता है। एक स्लिप गेज पर दूसरा स्लिप गेज को रख के, दूसरा पर तीसरा को रख के, इस प्रकार से हम लोग उसको लंब का रूप देते हैं। तो इस एक स्लिप गेज से दूसरे स्लिप गेज को जोड़ने का जो विधि है ना, उसको हम लोग रिंगिंग विधि कहते हैं। इसलिए नेक्स्ट जो हमारा है स्टेप वो है रिंगिंग प्रोसेस का। तो रिंगिंग प्रोसेस में क्या है कि जिस विधि से स्लिप गेज को आपस में जोड़ा जाता है उसे रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। तो आइए रिंगिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं। रिंगिंग प्रोसेस क्या है, देखिए फिगर 1 में रिंगिंग प्रोसेस है दो स्लिप गेज को आपस में जोड़ने की विधि, प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग स्लिप गेज 1, स्लिप गेज 2 को तो यहां पर जैसा आपको बता रहे हैं कि रिंगिंग प्रोसेस में जब स्लिप गेज 1 और स्लिप गेज 2 को जोड़ा जाता है तो सर्वप्रथम हम लोग एक दूसरे को समकोण पर रखते हैं। समकोण पर रख करके जैसा फिगर 1 में आप देख पा रहे हैं, उसके बाद फिगर 2 में आप जाएंगे तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इसको हम लोग एक दूसरे पर इस प्रकार से सेट करते हैं। इससे पहले ये ध्यान रखा जाता है कि स्लिप गेज पर किसी भी प्रकार का कोई लेयर ना चढ़ा हो, कोई धूल कण ना चढ़ा हो। इसके लिए हम लोग इसको टेट्रा क्लोराइड से धो करके चेमोइस लेदर या लिनन के कपड़े या टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिंगिंग प्रोसेस करते हैं। ये है एक दूसरे स्लिप गेज को जोड़ने की विधि। क्योंकि स्लिप गेज सेट 112 में 112 पीस होते हैं, और जिस जिस साइज का, चूँकि अलग अलग अंतराल है, अलग अलग साइज में स्लिप गेज थिकनेस में पाए जाते हैं, तो जोड़ने के लिए, हाइट के लिए, लंब के रूप में साइन बार के साथ प्रयोग में लाने के लिए इसको जोड़ना आवश्यक होता है। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें प्रिकॉशंस क्या है, सावधानियां क्या अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले स्लिप गेज को आप गिरने से बचाइए, क्योंकि ये सूक्ष्मता में बने होते हैं, ये काफ़ी एक्यूरेसी में बने होते हैं। दूसरा है कि इसका प्रयोग से पहले इसे चेमोइस लेदर एवं लिनन कपड़े टेट्राक्लोराइड में धो लेना चाहिए और उससे पोंछना चाहिए। तीसरा है कि इस पर धूल नहीं जमा होना चाहिए, और है कि प्रयोग करते समय इसे, इसको जब आप प्रयोग करेंगे तो आप
स्लिप गेज के उस सतह को ना पकड़ें जिस सतह को आप प्रयोग में ला रहे हैं, जिस सतह को आप रिंगिंग प्रोसेस में प्रयोग में ला रहे हैं उसको ना पकड़ें, कार्य वाली सतह को ना पकड़ें। इसके अलावे कार्य समाप्ति के बाद स्लिप गेज को अच्छे से साफ करके उसके अपने निजी बॉक्स में सुरक्षित रख दें। इसके अलावे और भी बहुत सारी सावधानियां हैं जिसको आपको अपनाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मैं फिर लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको साइन बार के बारे में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।